अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। चलती है तो हिंदुस्तान में जैसे हिंदुओं में चार धाम हैं, वैसे ही लखनऊ, दिल्ली, वैसे सच पूछें तो कई ऐसे लोग हैं जो हैदराबाद को, और फिर बात आती है हमारे महाराष्ट्र की जिसमें मालेगांव, बुरहानपुर शामिल है। उसी तरह से इंदौर एक ऐसा जरखेज इलाका है जहां उर्दू की आबियारी तो हुई लेकिन बैनुल अक्वामी सतह पर इंदौर के दौरे हाजिर के बहुत बड़े शायर हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इंदौर को उनके नाम से जाना जाता है, और उन्हीं की रिवायत को संभालने वाला एक ऐसा नौजवान शायर जिसकी अदबी खिदमात तो बहुत अच्छी है ही हैं, उनकी तरबियत और परवरिश उर्दू के शाहाना माहौल में हुई है। मुझे याद है इसहाक असर इंदौरी साहब का एक किता है कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग कर लड़ते हैं, न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्थे लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं, हमें गाजी कहो हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। हमारे बीच में नूह आलम इंदौरी साहब हैं, उनकी कदकाठी, उनका नजरिया, उनका व्यक्तित्व, उनका किरदार बाईस कद्र है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आपके यहां उनकी बावकार उपस्थिति आपकी तालियां बताएंगे कि वो आप कितनी मोहब्बतों से आप उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों आइए कुछ आपकी खिदमत करने से पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरा जो कई सालों से हमारे राइन साहब सजा रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले, ये भाई जो वीडियो बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए कैमरा सेट कर दें और आप अपनी कुर्सी पे अगर बैठ जाए कैमरा सेट करके, तो मेरे ख्याल से पीछे जो लोग हैं उन तक मैं पहुंच पाऊंगा। आवाज तो मेरी पहुंच रही है, नहीं बैठ पाएंगे? चलिए साहब, कुर्सी पे बैठने के लिए इतने झगड़े हो रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठने को राजी नहीं? बहरहाल दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क जिसने कई बाप देखे हैं, कई चैप्टर देखे हैं, और शायरों की क्या बात की जाए, वो शायर ही था जिसने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने कहा था अपने वतन के बारे में, वो हर नारा वो हर शेर जो है वो शायरों की जानिब से जारी हुए थे और एक इंकलाब बरपा हुआ और हमने अंग्रेजों को अपने मुल्क से भगाया। इस बीच में शायर कुछ मुशायरों में भी बिजी रहे, लेकिन वक्त बेवक्त शायरों की आवाज बुलंद होती रही। चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं, बतौर खास समाज फरमाइएगा जितने भी लोग यहां तशरीफ फरमा हैं। अर्ज करता हूं कि वो है हमारे सामने तनकर खड़े हुए, वो है हमारे सामने तनकर खड़े हुए जो के हमारी गोद में पलकर बड़े हुए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने नू साहब। वाह वाह वाह, वो है हमारे सामने तनकर खड़े हुए जो के हमारी गोद में पलकर बड़े हुए, मुद्दत हुई है उनको भी चखे हुए शिकस्त, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। क्या कहने, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। अच्छा लग रहा हो तो एक बार मुझे बताएं, इजाजत है, मैं आपके मिजाज की शायरी सुनाना चाहता हूं जिस तरह के वक्त और हालात इस मुल्क के हैं, समाज कीजिएगा। अर्ज करता हूं कि अपनी मिट्टी पे
मैं अर्ज करता हूँ कि अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं। क्या कहने? अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है, हम जान छिड़क देते हैं। जान छिड़क देते हैं, वाह 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 नूर साहब वाह। अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है, हम जान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो, दोस्तों हमारे खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत परचम को नजर में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा। अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है, हम जान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम हैं। इस इमारत पे चलो, जान छिड़क देते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद नूर साहब। तो बुनियाद का पत्थर हम है। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम है। इस इमारत पे चलो, जान छिड़क देते हैं। इस इमारत पे चलो, जान छिड़क देते हैं। मुझे ये जब मुशायरा गा के लिए हम आ रहे थे, मैंने निजाम भाई को फोन किया तो पता पड़ा कि यहीं पर एक बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, उनका आस्थाना है, इसलिए शेर उनकी नजर करता हूँ। जी जी, शेर पढ़ता हूँ जनाब मिस्री रहमतुल्लाह अलैह साहब की नजर करता हूँ। खून क्या चीज है, हम जान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम। जब भी आते हैं जियारत, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम। आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। क्या कहने, आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। दोस्तों उर्दू में एक लफ्ज है खिफत, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं खिफत के मानी क्या है। हमारे इलाके में तो उसे खजवाट कहते हैं। मैं मतलब कहता हूँ कि आपकी खिफत की, जब मैं आप कहूँ तो आप लोग पहुंच ही जाएंगे कि आपकी खिफत की कोई तो निशानी चाहिए। आपकी खिफत की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। दाद अगले शेर पे आएगी सजा। नौ साहब ये शेर फिर से पढ़िए। आपकी खिफत की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देश के गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह जाते हैं। आपकी खिफत की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। और इसे एक शेर में पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रहा हूँ, जिस तरह हिंदुस्तान जुड़ता हुआ दिख रहा है। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। हमें बांट के रखा गया कई साल तक हिंदू मुसलमान में। इस मुल्क की जो स्पिरिट है, इसकी जो रूह है, उसको समझा नहीं गया, लेकिन हम फिर से जुड़ रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले, मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। दोस्तों एक गजल की इजाजत चाहता हूँ। यार की जुल्फों के पेचो खम की बातें तो बहुत हुई, लेकिन इस वक्त जिस चीज की जरूरत है मुल्क को, जिस जज्बे की जरूरत है, वो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोगों का भरपूर साथ चाहिए। अर्ज करता हूँ, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, दूसरे मिसरे पे आप पहुंचेंगे। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा।
पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा, हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफ्ताब होगा, इनकलाब होगा। जिंदाबाद, इनकलाब होगा। फिर से ज़हमत फरमाएं। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफ्ताब होगा, इनकलाब होगा, इनकलाब होगा। आखिर में एक मतलब कुछ और शेर पढ़ता हूं मैं, निजाम भाई समाज कीजिएगा। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। सवाल पूछना लाजिम है तो सवाल करो। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। सवाल पूछना लाजिम है तो सवाल करो। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। जमाना अहले जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। कोई चराग सरे रह गुजर जला देना। कोई चराग सरे रह गुजर जला देना। हमारी तीरा नसीबी का जब मलाल करो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, जिंदाबाद। सरे रह गुजर जला देना, हमारी तीरा नसीबी का जब मलाल करो। आखिर में गजल का मतला एक दो शेर और फिर आपकी सहमतें तमाम। मैं ये जो मतला है ये अपनी कौम के नज़र करता हूँ। मन्नान भाई का हुक्म है एक मतला एक शेर दो शेर के लिए, वो मैं पेश करता हूँ कि वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है। चराग अपना मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने वाला था। मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है। ये शेर सुन के बताइएगा बतौर खास। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। ये मन्नान फराज साहब का हुक्म था। आइए मैं वो गजल पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मतलब समाज कीजिएगा। देखिए, ये हमारी कौम का अलमिया है। हम हर काम को बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन इन दिनों जो जिस जज्बे का मुजाहरा आप लोगों ने कराया है वो जबरदस्त है। मतलब देखिएगा कि सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। या नए चेहरे भी हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ चेहरे वो भी हैं जिन्होंने 92-93 का मुंबई देखा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, समाज कीजिएगा। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वक्त क्या कहने। वक्त की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। बहुत शुक्रिया। ये थे
जनाब नूह आलम इंदौरी साहब, पहली गजल में उन्होंने कुछ मुंबई के हवाले से ऐसी बात कही, और मुंबई किसी दोस्त का कर्ज रखता नहीं है, उन्हीं की बहर उन्हीं की रदीफ में जवाब भी उसका उनको हम इसलिए देते हैं आपकी तरफ से कि दिल को छू जाए कोई ऐसी कहानी चाहिए, रहनुमाई के लिए आंखों में पानी चाहिए। और जिसका जिक्र उन्होंने कहा था तो ये लगाई और बुझाई का हुनर नायाब है, ये सियासत का खेल है, ये लगाई और बुझाई का हुनर नायाब है, इस महारत के लिए भी आग पानी चाहिए।